आपको बुलाने के भाव थे। एक तिवारी जी की सदस्यता का कार्यक्रम कांग्रेस में परिवार में इनके फिर से आने का एक आयोजन आप सबके बीच में लाना था। दूसरा, मैं आप सबके माध्यम से मध्य प्रदेश की बहनों को कहना चाहता हूं कि बार बार इस बात के लिए कांग्रेस पार्टी शंका व्यक्त कर रही थी कि लाडली बहना जो आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहनों को कहा कि 1000 अभी मेरे पास है, अगले जैसे ही चुनाव लड़ूंगा 3000 दूंगा, वो मुख्यमंत्री बने नहीं बने पर्ची के, तो उन्होंने 10 तारीख से पिछले महीने 1 तारीख को लाडली बहना के पैसे डाले थे, एक महीने पूरा बीतने के बाद आज डलने थे, जो फिर से लाडली बहना के पैसे नहीं डले। तो मैं आग्रह करता हूं मुख्यमंत्री जी से, लोकसभा के चुनाव है, लोकसभा तक तो डालना ही है आप लोगों को, क्योंकि बहनें भटकनी नहीं चाहिए, वोट चाहिए। पर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि पूरे देश में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मसंबल बनाने के लिए 8500 रुपया पर मंथ पर महीने कांग्रेस पार्टी अपनी नारी न्याय में, महिला न्याय में उन्होंने इसका प्रोविजन किया है। तो मुख्यमंत्री जी, सरकार जो बहनों का 1 तारीख का पैसा था वो अभी नहीं डला है। पिछले साल जब लोकसभा पिछले विधानसभा के चुनाव में जब लोकसभा विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, उस बीच में ही चलते चुनाव के 4 दिन पहले भी उन्होंने डाले थे। अभी चूंकि चुनाव के 4 दिन पहले बहनों को पैसे खातों में डाले गए थे, तो आग्रह है उनका, बहनों का ध्यान रखें। और विश्वास है कि जो वादा खिलाफी का तो एक चरित्र बन गया है भारतीय जनता पार्टी का, जो बोले झूठ बोले, वो चाहे 2014 के चुनाव की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, ऐसा एक घर नहीं बचा जहां बेरोजगारी ना हो। उन्होंने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 60 रुपए का पेट्रोल था, अब 110 का हो गया, 30 का वादा था। घर का राशन जो 20,000 15,000 5,000 में आता था, सीधा 4-4 5-5 गुना बढ़ गया। उन्होंने कहा था देश के किसानों से कि मैं समर्थन मूल्य MSP की गारंटी लेके आऊंगा। उन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी करूंगा। उन्होंने कहा था $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाऊंगा। उन्होंने कहा था कि काला धन स्विस बैंक से आएगा और मुफ्त में 15-15 लाख सबके खातों में चला जाएगा। कुछ नहीं हुआ। जहां थे उससे सारे सेंसेक्स ये बताते हैं कि देश 80% बेरोजगार है, महंगाई एशियन कंट्री में सबसे ज्यादा हमारे यहां हो गई है, जो किसानों की दुर्गति देश में हो रही है ये दुनिया में कहीं नहीं हो रही है। तो मैं मानता हूं कि वादा खिलाफी, झूठ बोलना, भ्रमित करना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बनता जा रहा है। ऐसे ही 23 के चुनाव में भी उन्होंने कहा था कि हमने 2700 रुपए गेहूं का दाम देंगे, जैसे ही चुनाव हुए आज तक एक शब्द भी नहीं है। मोदी गारंटी थी, मोदी गारंटी थी कि हम 3100 का धान का दाम देंगे, 3000 बहनों को देंगे, 450 का गैस सिलेंडर देंगे और तमाम रामायण और गीता जैसा वचन पत्र, एक शब्द भी उस पर बात नहीं है। अब चुनाव की बातें दूसरी है। तो मैं फिर से आग्रह करता हूं सरकार से, कानून व्यवस्था के जो हाल है देख ही रहे हम, मंत्री का बेटा तांडव मचा रहा है, इंदौर में एक विधायक का रिश्तेदार तांडव मचा रहा है, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की अराजकता, अहंकार और गुंडागिर्दी सर चढ़ के बोल रही है। शिवराज जी की इस बात में मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने क्राइम में मध्य प्रदेश को नंबर 3 पे लेके आए थे, नंबर 3 पे। हमारे मोहन यादव जी जब से मुख्यमंत्री बने होड़ में लगे कि मैं नंबर 1 पे ही लेके आऊंगा, मतलब इनसे 2 कदम क्राइम को लेकर वो सरकार ठीक थी। पर मुख्यमंत्री जी ने, जैसा मैंने कहा, पर्ची के मुख्यमंत्री ने 3 C से प्यार कर लिया है, मोहब्बत कर ली, गले लगा लिया उनको और छोड़ ही नहीं रहे, एक क्राइम को, एक करप्शन को और एक कर्ज को। तो मैं मानता हूं सरकार बहनों का ध्यान रखे और जो पैसा आज डलना था वो डाले। मैं तिवारी जी का फिर से स्वागत करता हूं, मुकेश भैया हमारे मीडिया विभाग के नए, आप सबको रोज संवाद करने के लिए हमारा पूरा डिपार्टमेंट के हेड बने हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं।
राजू भैया है, राजकुमार भैया है, के मिश्रा जी। अभी मैं मानता हूं कि एक ऐसा ऐसे दौर में जब लोगों को कोई आंख दिखा दे, सत्ताधारी दल के लोग किसी कार्यकर्ता को आंख दिखा दे और वो डर जाए, वो दौर है। किसी न किसी प्रकार का क्राइम की चिट्ठी पकड़ा दे और वो क्या होगा, थाने जाऊंगा, अदालत जाऊंगा। उस दौर में के मिश्रा जी जैसे बहादुर, वफादार और निष्ठावान कार्यकर्ताओं का कांग्रेस पार्टी सम्मान करती है। और इस नाते में कहना भी चाहता हूं कि जो लोग डर के, भय से, भविष्य के लालच में या अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, जब तक मैं इस पार्टी को एक कार्यकर्ता के रूप में लीड करूंगा, उनको कभी भी इस पार्टी के अंदर अब दरवाजे नहीं खोलूंगा। ये मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं। फिर से अभी मेरी कल परसों जो छिंदवाड़ा के हमारे मेयर हैं उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आपको दो रास्ते हैं, या तो आप पद से खाली कर दो या बीजेपी में आ जाओ। उससे पहले हमारे गौरव है जो यूथ कांग्रेस का ही हमारा साथी था, उसकी पत्नी को लेके गए, उनको एक मंत्री ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव है, 3 दिन बाद आ जाएगा, या तो आप पार्टी में ज्वाइन कर। इस तरह का फिनोमा बनाना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बन गया। इसके लिए हम तो मजबूत हैं, विचार भी है, चिंता भी है, पर आम जनता भी चिंता करें, ये लोकतंत्र ने तानाशाही लेके आने वाले हैं। और उससे लड़ने के लिए आज कल्पना करो कि एक दिन ऐसा आएगा जब वोट देने का अधिकार ही चला जाएगा तो क्या होगा।